सदस्यीय कमेटी, ग्राम समिति जिसको हम बोलते हैं, ग्राम कमेटी बोलते हैं। और जब ग्राम समिति का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 1 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की ऐसी फौज होगी आम आदमी पार्टी के पास पूरे हरियाणा में, जो प्रदेश स्तर से लेके गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक एक एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से रूबरू करा सकते हैं और आम आदमी पार्टी का 2024 में हरियाणा के अंदर राज लेके आ सकते हैं। ये हमारी एक पूरी प्रक्रिया संगठन निर्माण की है, जिसका आखिरी चरण इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद 3 तारीख को शुरू हो जाएगा, जिसमें हम ग्राम समितियों का निर्माण उसके बाद शुरू कर देंगे, जो कि जमीन पर एक मजबूत संगठन की नींव का काम करेगा। दूसरी बात, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि आशा वर्कर्स के साथ किस तरह से पूरे प्रदेश में ज्यादती की जा रही है। मैं अभी यहां से निकल के जाऊंगा, अभी धरना चल रहा है जहां हमारी बहनों का। हमने शुरू से ये कहा था, पहले भी हम आशा वर्कर्स के समर्थन का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, और हमने शुरू से ये कहा था कि जो जायज हक हो जिसका उसको मिलना चाहिए। लेकिन खट्टर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। हर वर्ग, हर जाति, हर कर्मचारी, हर धर्म के व्यक्ति, प्रदेश के हर जिले के व्यक्ति, किसान हो या व्यापारी हो, हर कोई व्यक्ति खट्टर सरकार से परेशान आज के दिन में है। खट्टर सरकार ने किसी न किसी मुसीबत में उनको डाल रखा है। आशा वर्कर्स की बहुत जायज मांग है और बहुत लंबे समय से ये बार बार इसको लेके हड़ताल करती हैं, बार बार इसको लेके मांग करती हैं, लेकिन आशा वर्कर्स को सरकार ने बार 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 गुमराह किया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रक्षाबंधन के दिन जब मुख्यमंत्री जी को हरियाणा प्रदेश की हर बहन की रक्षा की शपथ लेनी चाहिए थी, जब मुख्यमंत्री जी को हरियाणा प्रदेश की हर महिला के मान सम्मान की रक्षा का प्रण लेना चाहिए था, उस अवसर पर आशा वर्कर्स जो संघर्ष कर रही थी उसके खिलाफ पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करके, मैं तो ये कहूंगा कि सरकारी तौर पे एक आशा वर्कर की हत्या कर दी गई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको जबरदस्ती ऐसी मांगों के लिए, उनसे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना और फिर उनके ऊपर पुलिसिया एक्शन करना, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार कितनी निर्दयी हो चुकी है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि रक्षाबंधन के समय पे ही किसी एक बहन को अपनी मांगों के लिए जान देनी पड़े, किसी एक बहन को संघर्ष में जान देनी पड़े, और उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करूंगा कि तुरंत प्रभाव से आशा वर्कर्स की मांगे जायज हैं, आशा वर्कर्स की मांगे कानूनी है, आशा वर्कर्स की मांगे तर्कपूर्ण है, उनको तुरंत प्रभाव से सुनना चाहिए, उस पर डिस्कशन करके, उन मांगों पर विचार करके तुरंत उनको स्वीकार करना चाहिए। और आशा वर्कर्स को ये कम से कम हौसला देना चाहिए और कम से कम भरोसा देना चाहिए कि प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही साथ आशा वर्कर्स अकेली नहीं है जो इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ लड़ रही है। क्लर्कों का आपने देखा, कमेटी निर्माण करने की बात कही गई, देखते हैं 3 महीने में वो कहां तक पहुंचता है। ओपीएस जो कर्मचारी मांग रहे हैं उनका आपने देखा, वो परेशान है। सरपंच अभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं, और जूनियर कोच महिला के केस में आपने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेशर्मी देखी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, जबकि उन्होंने अपने मुंह से जनवरी 2023 में ये कहा था कि अगर जांच में कुछ सबूत पाए जाते हैं इनके खिलाफ तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं दोबारा से, यानी हरियाणा की महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बस की बात नहीं है। उन्होंने ये कह के कि इस्तीफा नहीं लेंगे, ये साबित कर दिया एक बार फिर से। हम अपनी उस मांग पे भी कायम है, मंत्री संदीप सिंह को इस्तीफा देना होगा किसी भी हाल में। हरियाणा के लोग महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मंत्री संदीप सिंह जहां भी पूरे हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा के लोग, हरियाणा की महिलाएं उनको काले झंडे दिखाएंगी। और ऐसे मुख्यमंत्री को जो ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, उनको भी आने वाले समय में हरियाणा के हर हिस्से में काले झंडों का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। अंतिम चीज जो मैं आज यहां जिक्र करना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों ने हमको अप्रोच किया जो 2019 की IIT ITI इंस्ट्रक्टर की जॉब्स निकली थी, 3200 जॉब्स ये निकली थी, इनमें से 800 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करा ली गई और 2400 कैंडिडेट्स आज भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। उनको कोर्ट के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, और मैं कहूँगा जबरदस्ती कोर्ट के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि
सबकी एक जैसी क्वालिफिकेशंस, एक ही टेस्ट दिया, एक ही टेस्ट के रिजल्ट में सारे 3200 बच्चे पास हुए, उनमें से 800 को ज्वाइनिंग करा के 2400 को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये इनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वर्ष 2016 में ITI इंस्ट्रक्टर की जॉब्स निकाली गई, उनको रद्द कर दिया गया, जॉब्स को भर्ती रद्द कर दी गई। वर्ष 2018 में फिर भर्ती निकाली गई, फिर भर्ती रद्द कर दी गई। वर्ष 2019 में भर्ती निकली, रिटर्न एग्जाम हुआ, 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जुलाई 2022 में फाइनल रिजल्ट आया, उसमें से 800 लोगों को ज्वाइन करा लिया और बाकी 2400 बच्चे आज भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इनके साथ अत्याचार है 2016 से लेके अभी तक। आप इनका लंबा इंतजार देख सकते हैं कि पिछले 7-8 साल के अंदर इनको बार बार अलग अलग जगह पे भटकना पड़ा, सरकार ने इनके साथ बार बार धोखा किया, भर्ती रद्द की। अब अगला जब एग्जाम होगा तो इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी, जो अब दोबारा वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एक बार टेस्ट में क्लियर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं कराना या आधे बच्चों की ज्वाइनिंग करा लेना, 800 बच्चों की ज्वाइनिंग कराई, 2400 को छोड़ दिया, ये इनके साथ ज्यादती है, दुर्व्यवहार है, इल्लीगल काम है। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेके अगली जो भी कोर्ट के अंदर हियरिंग है, अगर सरकार चाहे तो अपने वकील के जरिए एफिडेविट देके इनकी तुरंत भर्ती करवा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा इन युवाओं के साथ धोखा करने की है, इनके रोजगार को अटकाने की है। इसलिए मैं फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि ITI इंस्ट्रक्टर्स की जो 3200 जॉब्स के लिए जो रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट के अनुसार 800 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, 2400 बचे हुए बच्चों की ज्वाइनिंग भी तुरंत प्रभाव से सरकार करवाए, वरना ये युवा आपको करारा जवाब देंगे, ये युवा आपको उस गद्दे से उतार भी सकते हैं जिस पे इन्होंने आपको बिठाया था। आपके कोई सवाल है? विशेष अधिवेशन बुलाया, देखिए अब विशेष व्यक्ति हैं, विशेष उन्होंने अधिवेशन बुलाया है, क्योंकि सामान्य जो सदन चलता है उसमें प्रधानमंत्री जी आना अपना अपमान समझते हैं शायद, इसलिए उन्होंने अपने लिए कोई विशेष सदन चलाया है जिसमें वो आएंगे। अब ये तो वही जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में मोदी जी विश्वास नहीं करते, तो इसलिए विपक्ष के किसी भी पार्टी को कॉन्फिडेंस में तो लेते नहीं है कि क्या करने वाले हैं, तो ये उनकी आदत है। अचानक से एक दिन रात को आए, बोला नोटबंदी कर दी है, और उसके परिणाम आज तक पूरा देश भुगत रहा है। इस तरीके की घोषणाओं की, इस तरीके के स्टंट करने की मोदी जी की आदत है। जब सदन चल रहा होता है तब वो अपने विदेशी मित्रों के साथ बिजी होते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो अपने हिसाब से संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र का अपमान है, और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि ये तानाशाही है, जब राजा होंगे तभी काम होगा, जब राजा का मन करेगा वो सदन में नहीं आएंगे। ये तो आपने पॉलिटिकल जोर दे दिया, नीति या कानून उसके अनुसार बताइए कुछ तो। जब मैं उस रोल में था सर, तो मैंने काफी काफी चीजें बताई, काफी चीजें उसमें भी बताई। अभी भी अगर कहीं कॉलम लिखना होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं अभी फिलहाल जिस हैसियत में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसी तरीके से आपको जवाब दे पाऊंगा। और पॉलिटिकली हमको ये लगता है, आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट प्रधानमंत्री को नहीं करने चाहिए। लोकतंत्र में सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए। पहली बात जो नज़र आती है वो ये कि इंडिया के नाम से जो गठबंधन बन गया है और वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, 28 पार्टियां उसके अंदर अब आ गई, उससे खौफ खा रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी, उससे बौखलाए नज़र आ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रबंध करने के लिए, उसका कुछ ना कुछ इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे मोदी जी। इसलिए छटपटाहट है, और छटपटाहट में कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय नज़दीक आ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना, विवेक काम करना बंद कर देता है। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि मोदी जी भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, और जब वो कदम उठाएंगे तो वो अपने विनाश काल का जो समय है उसको और नज़दीक बुला लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। Thank you.